दोस्तों आज से लगभग 100 या 200 साल पहले आसमान में उड़ना एक सपने जैसा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में आसमान में घूमना भी एक सामान्य बात हो गई है। हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन दो ऐसे साधन हैं जिसकी मदद से दिनों का सफर अब घंटों में तय होने लगा है, और सबसे बड़ी बात, कोई भी शख्स इन दोनों में से किसी की भी हेल्प से हवाई सफर तय कर सकता है। बट डू यू नो, अगर हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन में कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ हेलीकॉप्टर एरोप्लेन से ज़्यादा बेहतर साबित होगा, और इसके एक नहीं बल्कि कई सारे रीजंस हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आप हेलीकॉप्टर से आसमान में उड़ान भर रहे हैं, तभी अचानक से किसी कारणवश हेलीकॉप्टर का इंजन बंद हो जाए। ऐसे खतरनाक सिचुएशन में हेलीकॉप्टर का रोटर उसे ज़मीन पर उतरने में धीरे धीरे हेल्प करेगा, क्योंकि उसमें रोटर इंजन के बंद होने के बाद भी घूमता रहेगा। लेकिन एरोप्लेन में ऐसी सुविधा नहीं होती है, इसीलिए ऐसा माना जाता है कि हेलीकॉप्टर्स एरोप्लेन के कंपैरिजन में ज़्यादा सेफ होते हैं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर्स की एक और सबसे खास बात ये है कि ये आसानी से आगे पीछे और दाएं बाएं जा सकते हैं, यहाँ तक कि ज़रूरत पड़ने पर यह आसमान में एक ही जगह पर रुके भी रह सकते हैं, जबकि एरोप्लेन के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सीधा चलता है और दाएं बाएं जाने के लिए इसे चक्कर लगाना पड़ता है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन के लैंडिंग और टेक ऑफ में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। जहां हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ कराने के लिए एक छोटे से हेलीपैड की ज़रूरत होती है, वहीं एरोप्लेन को एक बड़े से रनवे की ज़रूरत होती है। हेलीकॉप्टर्स को हम खेतों में, घर के ऊपर, छत पर, यानी कहीं भी हम इसे उतार सकते हैं, जबकि एरोप्लेन को केवल रनवे पर ही उतारा जा सकता है। हेलीकॉप्टर के इन फीचर्स की वजह से ही आज इसका सबसे ज़्यादा उपयोग डिजास्टर्स के समय में किया जाने लगा है। फॉर एग्जाम्पल, जंगल में आग लगी हो और उस आग को बुझाना हो, समुंदर में फंसे लोगों को बचाना हो, या फिर बाढ़ या समुद्री तूफान में फंसे लोगों को वहां से निकालना हो, इन सभी कामों में हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा किया जाता है। इसके अलावा हेलीकॉप्टर की हेल्प से बड़े बड़े राजनेता, अभिनेता और अधिकारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, ताकि उनकी सुरक्षा का पूरा ध्यान रखा जा सके। आई होप हेलीकॉप्टर की उपयोगिता को अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अब आइए हम हेलीकॉप्टर के इतिहास के बारे में भी जान लेते हैं कि हेलीकॉप्टर का इन्वेंशन सबसे पहले किसने और क्यों किया था। दोस्तों, जब आप इतिहास के पन्नों को पलट के देखेंगे तो आपको पता चलेगा हेलीकॉप्टर का इन्वेंशन करने का आइडिया चाइना से निकल कर आया है। चाइना में लगभग 400 ईसा पहले बांस का एक खिलौना बच्चों के बीच काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हुआ करता था। ये खिलौना एक घड़ी के रूप में था, जिसमें ऊपर की तरफ दो पंख लगे होते थे। इस खिलौने को बच्चे अपने हथेली से रगड़कर हवा में ऊपर की तरफ छोड़ देते थे, जिससे ये खिलौना काफ़ी देर तक हवा में घूमने के बाद नीचे आ जाता था। आज मेले में जाने पर इन खिलौनों को आप देख पाएंगे, आज ये प्लास्टिक के बने होते हैं। उस समय किसे पता था कि चाइनीज लोगों द्वारा बनाया गया ये खिलौना भविष्य के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। खैर, आज से लगभग 600 वर्ष पहले जब पूरी दुनिया में व्यापार तेजी से बढ़ने लगा, तब ये चीनी खिलौना चाइना से निकलकर यूरोप पहुंच गया, जहां लियोनार्डो दा विंची को इस खिलौने का डिज़ाइन काफ़ी पसंद आ गया। उन्होंने इस खिलौने से इंस्पायर्ड होकर उड़ने वाली मशीनों के कई डिज़ाइन तैयार किए, लेकिन उनके द्वारा बनाए गए किसी भी डिज़ाइन को वैज्ञानिकों ने पसंद नहीं किया। इसके बाद जुलाई 1754 में रूसी वैज्ञानिक मिखेल लोमोनोसोव ने मौसम की जानकारी देने वाले डिवाइस को हवा में ऊपर उठाने के लिए एक मॉडल तैयार किया। इस मॉडल में एक एक्सिस पर अपोजिट डायरेक्शंस में घूमने वाले दो प्रोपेलर लगे हुए थे, और इनमें सबसे ऊपर की तरफ भी सेम वैसा ही प्रोपेलर बना हुआ था। मिखेल का ये मॉडल आधुनिक हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन से काफ़ी हद तक मिलता जुलता था। मिखेल के बाद कई और वैज्ञानिकों ने भी हेलीकॉप्टर के डिज़ाइन पर काम किया, जिसके बाद 1861 में भाप से चलने वाले एक छोटे हेलीकॉप्टर का इन्वेंशन हुआ, जो कि एल्युमिनियम से बना हुआ था। एल्युमिनियम से बने होने की वजह से इसका हवा में उठना काफ़ी मुश्किल था। इस छोटे से हेलीकॉप्टर से इंस्पायर्ड होकर साल 1878 में भाप से चलने वाले एक अन्य हेलीकॉप्टर का निर्माण किया गया, जो कि 39 फीट लंबा था। साथ ही ये पहला हेलीकॉप्टर था जिसने कुछ सेकंड्स तक हवा में उड़कर एक नया रिकॉर्ड बनाया था। हालांकि ये एक अनमैन्ड हेलीकॉप्टर था। इसके बाद भी अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी थ्योरी और कॉन्सेप्ट पर काम करके कई और हेलीकॉप्टर तैयार किए। इनमें से ही एक थॉमस एडिसन भी थे, जिन्होंने 1880 के दशक के अंत में हेलीकॉप्टर पर एक्सपेरिमेंट करने के लिए काफ़ी पैसे खर्च किए, पर उन्होंने जो मॉडल तैयार किया उसमें विस्फोट हो गया और इस हादसे में एक वर्कर घायल हो गया। जिसके बाद अमेरिकन इन्वेस्टर स्लोवोक ने एडिसन के मॉडल में काफ़ी कुछ चेंजेस करके एक नया मॉडल तैयार किया। स्लोवोक के इस मॉडल ने साल 1905 में 4900 फीट की दूरी तक 13 फीट ऊंची उड़ान भरी थी, जो कि अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड था। लेकिन ये उड़ान भी अनमैन्ड थी, यानी मानव रहित थी।
फिर आता है साल 1907 का साल, जब ग्राइनोप्लेन नंबर 1 नाम के एक हेलीकॉप्टर को लोगों के सामने लाया जाता है। यह हेलीकॉप्टर अब तक के सभी हेलीकॉप्टर से खास था, क्योंकि इसने पूरे एक मिनट के लिए पायलट को हवा में उड़ाया था। जी हाँ, ये पहली मैंड फ्लाइट थी। हालांकि इस हेलीकॉप्टर में भी कमियां थी, जिस वजह से यह हवा में गोते खा रहा था, लेकिन इसके बावजूद इसमें पायलट की जान को खतरा नहीं था, क्योंकि इसमें पायलट की सुरक्षा के सभी इंतजाम पहले से ही किए गए थे। इसके बाद इसी साल फ्रांस के इंजीनियर पॉल कॉर्नो ने एक ऐसे हेलीकॉप्टर को बनाया जो कुल 20 सेकंड तक हवा में ही रह सकता था, और इसके साथ ही इस हेलीकॉप्टर ने पायलट के साथ पूरी 1 फीट की ऊंचाई तक सुरक्षित उड़ान भी भरी थी। यही वजह है कि आज बहुत से लोग पॉल कॉर्नो को हेलीकॉप्टर के इन्वेंटर के रूप में जानते हैं, लेकिन ऑफिशियली ये रिकॉर्ड इनके नाम नहीं है, क्योंकि पॉल के बाद भी कई वैज्ञानिकों ने हेलीकॉप्टर को लेकर अपनी रिसर्च जारी रखी, और दुनिया का फर्स्ट मास प्रोड्यूस हेलीकॉप्टर 14 सितंबर साल 1939 को रूसी वैज्ञानिक इगोर सिकोरोस्काई ने बनाया, और इन्हें ही ऑफिशियली हेलीकॉप्टर का पिता माना जाता है, क्योंकि इनका बनाया हुआ हेलीकॉप्टर पहला पूरी तरह से सफल हेलीकॉप्टर था, और इसी के बेस्ड पर भविष्य में हेलीकॉप्टर बनाए गए। इगोर सिकोरस्काई के हेलीकॉप्टर का नाम VS-300 था, जो कि एक रोटर वाला प्रायोगिक हेलीकॉप्टर था, जिसे सबसे पहले अमेरिका के स्टैटफोर्ड सिटी में उड़ाया गया था। हालांकि ये सिर्फ कुछ मिनट की ही उड़ान थी। इसके बाद इस हेलीकॉप्टर में काफी कुछ चेंजेस किए गए, जिसके बाद उनके हेलीकॉप्टर ने 13 मई साल 1940 को कई उड़ानें भरी। इगोर सिकोरस्काई एक रशियन अमेरिकन इंजीनियर थे। उन्होंने साल 1910 से हेलीकॉप्टर पर काम करना शुरू कर दिया था, जिसमें उन्हें पूरी तरह से सफलता साल 1940 में मिली। VS-300 की सफलता के बाद इगोर सिकोरस्काई ने सिकोरस्काई R-4 नाम से हेलीकॉप्टर का निर्माण किया, जो कि दुनिया का पहला ऐसा हेलीकॉप्टर था जिसका निर्माण सबसे बड़े पैमाने पर किया गया था। इस हेलीकॉप्टर को पॉपुलैरिटी इसलिए भी मिली क्योंकि इसमें 2 व्यक्ति बैठकर आसानी से सफर तय कर सकते थे। सिकोरस्काई के R-4 हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल US एयरफोर्स ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सिकोरस्काई की कंपनी ने US एयरफोर्स को कई अलग अलग तरह के हेलीकॉप्टर भी बना कर दिए, जिसमें 400 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर शामिल थे। इनका इस्तेमाल US आर्मी ने राहत बचाव कार्य और लोगों की खोज के लिए किया। आज सिकोरस्काई को ही हेलीकॉप्टर के मोस्ट फेमस डेवलपर्स में से एक माना जाता है। सिकोरस्काई के बाद भी हेलीकॉप्टर का ये सफर नहीं रुका। संयुक्त राज्य अमेरिका में नागरिकों के पर्सनल यूज होने वाला पहला हेलीकॉप्टर आर्थर मेडल्टन यंग ने बनाया था, जो एक अमेरिकन इन्वेस्टर थे। इसके बाद अमेरिकन एरोनॉटिकल इंजीनियर चार्ल्स कमान ने K-225 नाम के हेलीकॉप्टर को बनाया, जो कि 2 टर्बाइन इंजन दुनिया का पहला हेलीकॉप्टर था, जबकि सूड एविएशन एलॉय 2 एक सिंगल टर्बाइन इंजन वाला पहला हेलीकॉप्टर था। समय के साथ नई नई टेक्निक की खोज होती गई, और उसी के मुताबिक तरह तरह के चेंजेस के साथ नए नए हेलीकॉप्टर बनते चले गए। आज के समय में हम जिन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं वो 1200 मील की दूरी तक उड़ान भर सकते हैं। स्पीड इनकी 300 मील प्रति घंटे की है, और ये 56 टन तक के वेट को ईजिली उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका पहला हवाई सफर कैसा रहा था नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।